नमस्कार जोहार, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में गणतंत्र दिवस पर जेल अदालत का आयोजन, 3 बंदी हुए रिहा। बचले के रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में गणतंत्र दिवस के मौके पर खेलकूद पेंटिंग समेत अन्य खेलों का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता में विजयी टीम को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर आयोजित जेल अदालत से अधिक जागरूकता शिविर में 3 बंदी रिहा किए गए। जेल अदालत में कुल 10 मामले रखे गए थे। बंदियों को इस दौरान कानून की जानकारी भी दी गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि जेल से निकलने के बाद किसी बंदी को व्यापार करने में परेशानी हो तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर सकते हैं। शारजाह के निर्देश पर DLSA की ओर से जेल अदालत का आयोजन किया गया था। भारत न्यूजीलैंड T20 मैच आज रांची में, 3000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात। JLCA स्टेडियम में होंगे 500 जवान। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच झारखंड की राजधानी रांची में खेले जाने वाले T20 मैच, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 मैच के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रांची में कुल 3000 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को तैनात किया गया है। रांची के ध्रुवा स्थित झारखंड स्टेट क्रिकेट एकेडमी JSCA स्टेडियम और उसके आसपास कुल 1700 जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड के बुद्धा पहाड़ की बदलेगी तस्वीर। CM हेमंत सोरेन बुद्धा पहाड़ विकास परियोजना का करेंगे शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, झारखंड गठन के बाद और इससे पूर्व के उपेक्षित गढ़वा स्थित बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों के दिन अब बहु रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए पहल की है। इस पहल के पहले चरण में मुख्यमंत्री खुद बूढ़ा पहाड़ में 5.279 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को लेकर ग्रामीण के बीच पहुँच रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के समेकित विकास के लिए 100 करोड़ की लागत से बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं हम बात कर ले आज के पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों के बारे में। तो पता चले कि आज झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है, क्योंकि कच्चे तेलों की कीमतों में मजबूती का रुख दिख रहा है। खासकर यदि आप लंबी ड्राइव जा रहे हैं तो पेट्रोल की कीमत की जाँच करना महत्वपूर्ण है। बदले की याद रखें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना संशोधित होती हैं, इसलिए यदि आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपए में भी गिरावट आई है, जिससे रांची में पेट्रोल सब पहले से महंगा हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में स्थिर है। आज रांची में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100.42 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 95.22 रुपये लीटर मिल रही है पूर्वी सिंहभूम में पेट्रोल की कीमत 200.42 रुपये प्रति लीटर की कीमत के द्वारा मिल रही है और 95.22 रुपये प्रति लीटर है। धनबाद में पेट्रोल का दाम 100.26 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 95.55 रुपये रखा गया है। वहीं देवघर में 99.89 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.67 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की भाग कीमतों में कहीं कम कहीं वैसी देखने को आपको मिल सकता है। दोस्तों आज ये थी आज की पेट्रोल डीजल की कीमतें। तो एक बार फिर से मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी ध्यान दें, इस दिन से डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। जैक द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा 14 मार्च से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षा पहली पाली और इंटर की दूसरी पाली में होगी। डेट शीट के अनुसार मैट्रिक की परीक्षा 3 व इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी, लेकिन इंटर साइंस की परीक्षा इस बार 29 मार्च को ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में हर परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड का इंतजार बेसब्री से कर रहा है। ऐसे में आज उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश किया जा रहा है। बता दें कि अब जारी कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैट्रिक का परीक्षा कल यानी कि 28 जनवरी से डाउनलोड कर सकेंगे। 28 जनवरी से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया जाएगा। परीक्षार्थियों को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अपना एडमिट कार्ड
30 जनवरी से डाउनलोड कर सकेंगे। विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड जैक की आधिकारिक वेबसाइट www.jackjharkhand.gov.in पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एक बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में रांची वेंटरी कॉलेज के 12 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल दिया गया। नए वेंटरी ग्रेजुएट ने ली है शपथ। दोस्तों बता दें कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित रांची वेंटरी कॉलेज में नए वेंटरी स्नातकों को के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने कॉलेज के 2017-18 बैच के पास आउट 28 नए वेटरनरी ग्रेजुएट स्नातक को पशुपालन सेवा के क्षेत्र में पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सेवा तथा चिकित्सा करने की शपथ दिलाई। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 12 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल एवं 5 विद्यार्थियों को मेरिट स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। दोस्तों राजधानी रांची के कई जगहों पर कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। राजधानी के इन जगहों पर मिल सकती है आपको कोरोना की वैक्सीन। चीन में कोरोना तबाही मचाया हुआ है तो दूसरी तरफ भारत में धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होता जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो खतरा अभी भी टला नहीं है। ऐसे में सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। हालांकि झारखंड में फिलहाल कोई नया केस नहीं आया है, लेकिन 15 से 18 वर्ष की आयु के बहुत से लोग अब तक वैक्सीन नहीं ले पाए हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी ग्रामीण इलाकों में रह लोगों को होती है। अगर आप भी अगर वैक्सीन लेने की सोच रहे हैं तो आपको वैक्सीन जल्द से जल्द मिल जाएगा। बताया कि 10 ग्रामीण क्षेत्रों में 10 तो शहरी इलाकों में 28 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन शहरी इलाकों में 5 जगहों पर ही कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध हो रहेगी, जबकि कोवैक्सीन लगभग सारी जगहों पर उपलब्ध होगी। यही स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आप भी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आपके लिए बताते हैं कि यहाँ आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगा। काफ़ी बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों, बता दें कि अगर आप लेना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन के लिए अनकड़ा स्कूल, बुडमू स्पेशल स्कूल 18 से 5 के लिए आपको कोविड टीकाकरण के लिए आपको आंगनबाड़ी सेविका या फिर आंगनबाड़ी से संबंधित करना होगा, तभी वहीं से आपको टीकाकरण मिल जाएगा। डीएसपीएमयू के वीसी डॉक्टर तपन कुमार सांडले ने अनुकंपा पर 6 को सौंपा नियुक्ति पत्र। नई शिक्षा नीति पर कही बड़ी बातें। जिले के 14वें गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तपन कुमार सांडले ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की एनसीसी विंग ने जीसी बास्के के दिशा निर्देश में मार्च पास्ट किया। कुलपति डॉक्टर तपन कुमार सांडले ने विश्वविद्यालय परिवार को संबोधित करते हुए कहा कि अपने गौरवशाली अतीत को स्मरण कर आने वाली पीढ़ी को उसके विषय में बताना चाहिए ताकि वे उन आदतों को आत्मसमर्पण कर सके। जैसा कि नई शिक्षा नीति से पूरे मुख्य शिक्षा के द्वारा श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर तपन कुमार सांडले ने आज़ादी के बाद से वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न विकास मॉडलों की चर्चा करते हुए कहा कि हमारा देश निरंतर विकास की दिशा में अग्रणी है। तो दूसरी ओर जमशेदपुर में सीएम हेमंत की खतियानी जोहार यात्रा को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खतियानी जोहार यात्रा के तहत 31 जनवरी को लेकर रोड शो और सभा प्रस्तावित है, जिसे लेकर झामुमो ने तैयारी शुरू कर दी है। एक सप्ताह पहले ही झामुमो जिलाध्यक्ष ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सभी के लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर दी। इसके बाद से झामुमो की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की यात्रा को सफल बनाने के लिए शहर में 200 होर्डिंग लगाई जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में कुल 1700 मोटरसाइकिल की अलग अलग टीम खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होगी। वहीं दूसरी ओर 90 दिनों से हड़ताल पर HEC के कर्मचारी CISF और विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों के बीच झड़प, विरोध स्थल से हटाए गए कर्मचारी। बताते हैं कि बकाया वेतन की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं HEC कर्मचारी और CISF के बीच झड़प हो गई और CISF HEC कर्मचारियों के बैनर पोस्टर पर आपत्ति दर्ज कर रहा है। CISF का कहना है कि बैनर पोस्टर की वजह से उन्हें ड्यूटी करने में परेशानी आ रही है। विरोध कर रहे कर्मचारियों को घटनास्थल से हटाया गया है। विरोध कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि प्रबंधन की साजिश है, प्रबंधन नहीं चाहता कि विरोध प्रदर्शन जारी रहे। दोस्तों आज जान लेते हैं रांची के मौसम विभाग की तरफ से आज कैसा रहेगा मौसम का हाल, क्योंकि आज न्यूजीलैंड और इंडिया न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है रांची के स्टेडियम में। तो आज अगर मौसम कहीं गड़बड़ हो जाता है तो मैच रद्द भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज कैसा रहेगा मौसम रांची में क्रिकेट मैच पर कितना पड़ेगा मौसम का असर, इन जिलों में मौसम फिर बदलेगा मिजाज। मतलब कि आज राजधानी रांची में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाना है। रांची में आज का मौसम कैसा रहेगा, खेल के लिहाज से इस मौसम का कितना लाभ खिलाड़ियों को साथ ही खेल देखने आए लोगों को मिलेगा,
यह जानना बेहद जरूरी है। राजधानी रांची के मौसम में करवट ली है, ठंड का एहसास कम होने लगा है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद धीरे धीरे पारा चढ़ने लगेगा। झारखंड के उत्तरी हिस्से में यह बदलाव देखा जा सकता है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्से में मौसम पर कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना बताई जा रही है। 27 और 28 जनवरी को राज्य में सुबह से समय धुंध रहेगा, हालांकि बाद में आसमान साफ हो जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि मैच के लिए मौसम बिल्कुल सही होगा। 29 जनवरी और 30 जनवरी को आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर की आ रही है, जमशेदपुर के टायर दुकान में लगी आग, काफी देर तक उठता रहा धुआं, दुकान मालिक ने कहा साजिश के तहत लगाई गई है आग। दोस्तों बता रहे कि जमशेदपुर के जुगलसराय स्टेशन के पास भीषण आग लगी है। सड़क किनारे पुराने टायर गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना शुक्रवार सुबह लगभग 6 बजे घटी। अचानक लगी आग की खबर किसी ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना आग लगने की दी। इससे पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड के 2 दमकल मौके पर पहुंचे और 2 घंटे के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं दूसरी ओर जेएससी स्टेडियम में आज होगा इंडिया न्यूजीलैंड की मैच को देखने के लिए फैंस की जुटने लगी है भीड़। टी शर्ट, मलिंगा टोपी, रिस्ट बैंड एंड बैंड की हो रही है खरीदारी। जी हाँ दोस्तों, आज शाम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा, जिससे पहले स्टेडियम में अभी से लोगों को भीड़ जुटने लगी है। हर बार की तरह इस बार भी खेल प्रेमी अपने फेवरेट प्लेयर के नाम के टी शर्ट की क्लास कर रहे हैं। यहाँ हर मैच में पहले कोलकाता से लोग टी शर्ट इंडिया लैग कैप, इंडिया लिखा कैप, मलिंगा टोपी, रिस्ट बैंड, हैंड बैंड लेकर आते हैं। क्रिकेट फैंस की इसकी तलाश कर रहे हैं। क्रिकेट स्टेडियम के आसपास दुकानदारी सजी हुई है। केवल आज के मैच में खेलने वाले प्लेयर्स का टी शर्ट की लोग नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि दर्शकों ने में महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर जबरदस्त क्रेज है। आज के मैच में सबसे अधिक इनके नाम वाली टी शर्ट की मांग हो रही है। टी शर्ट 150, मलिंगा टोपी 200, रिस्ट बैंड हैंड बैंड फैंस पेंटिंग 20 से 50 रुपये और इंडिया लिखी टोपी 50 रुपये में मिल रही है। दोस्तों फिलहाल खबरों बस इतना ही है। थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही थी। हमें उम्मीद है खबर पसंद है, खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो रोजाना में आप सबके लिए ऐसे ही खबरें लेकर के आते रहता हूँ। मिलते हैं नए खबरों के साथ, जुड़े रहे कि JD मीडिया। जय हिंद, वंदे मातरम।